हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ फरजीन। वेलकम टू फरजीन्स फूड मैजिक। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस है और टिफ़िन के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। मूंग दाल से हम पिज्ज़ा का क्रस्ट बनाएंगे और इसे नाम देंगे मिनी पैन पिज्ज़ा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है ये, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून मूंग दाल ले ली है, 3 टेबलस्पून उड़द दाल ले ली है और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे राइस ली है। और इन सब को ना मैंने आधे से 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, ये फूल चुके हैं। इन सब को ना अच्छे से वॉश करके आपने सिंपली इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देना है। और उसके बाद में हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमको ये फ्लोई कंसिस्टेंसी का नहीं चाहिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और इसे ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा थिन, पतला भी नहीं और गाढ़ा भी नहीं चाहिए हमें। बस यहाँ पर अब मैंने तवा जो है उसे ग्रीस कर लिया है ऑयल से, नॉनस्टिक पैन में ही बनाए हो सके तो। और उसके बाद हम एक पैनकेक के शेप में ना इन सबको थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा फैलाना नहीं है इसे और ये फैलता भी नहीं है ज़्यादा, तो बस आपने इस तरीके से एक एक स्कूप उसमें डालते जाना है। अब साइड में मैंने ऑलरेडी जो वेजीज है मैंने कट करके रखे हैं, बारीक सा चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है प्याज, टमाटर और कैप्सिकम। आप चाहें तो उसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी मनपसंद सब्जियां हैं जो बच्चे खाना पसंद करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। और उसके ऊपर से ना मैंने थोड़ा सा सीजनिंग कर दिया है इसे पेरी पेरी के मसाले से। सो अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला नहीं है तो आप रेड चिल्ली पाउडर या फिर आप चाट मसाला से इसे फ्लेवर कर सकते हैं। अब इसे बनाते वक्त ना आपने फ्लेम को जो है वो लो रखना है, क्योंकि आप लो रखेंगे तो ये नीचे का क्रस्ट भी अच्छे से पकेगा। आपने ऊपर सब्जियां ऐड की है तो आपको उतना वक्त मिल जाएगा ये सब करने के लिए। अब इसे ना 5 मिनट के लिए हम नीचे का इसका क्रस्ट अच्छे से पकने देंगे। चाहिए तो आप इसे ढककर पका लें तो फटाफट से पक जाएगा। अब फ्लेम को जो है आपने लो ही रखना है और इसे अभी फ्लिप कर देना है, और दूसरा भी साइड जो है वो हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। और बीच बीच में ना आपने इसको इस तरीके से थोड़ा स्पून की मदद से दबा देना है ताकि इसका जो ऊपर का लेयर है ये भी अच्छे से पक जाए और वेजीज बच्चों को कच्ची ना लगे। तो देखा आपने कितनी सिंपल सी रेसिपी थी ये, और ये आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाती है और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है। इनफैक्ट आप शाम के नाश्ते के लिए भी घर वालों को परोस सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस बनकर निकलते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं और पता ही नहीं चलता कि मूंग दाल का हमने क्रस्ट यूज़ किया इसमें, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी लोग मेरे चैनल पर आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। सो स्टे ट्यून्ड विद फरजीन्स फूड मैजिक फॉर मोर सच वीडियोस। टेक केयर एंड गुड बाय।